हेलो एवरीवन। सो अब हम देखेंगे पाइथन इंस्टॉलेशन एंड इंट्रोडक्शन। सो आप लोगों को पता है कि अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो उससे पहले हमें उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो पाइथन को डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्राउजर में जाइए और आपको वहां पर टाइप करना है डाउनलोड पाइथन। तो जैसे कि ये मेरा ब्राउजर है और मैंने यहाँ पर क्या टाइप करा, सिंपल डाउनलोड पाइथन। ओके, अब मैं पाइथन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक करूंगा, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है www.python.org। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा और मुझे यहाँ पर क्या विजिबल होगा कि जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है वो मैं यहाँ से डाउनलोड डायरेक्टली कर सकता हूँ। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है .exe फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी पाइथन के लिए। बट अगर आपको ये स्पेसिफिक वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो जो कि पहले रिलीज हुआ है, तो आप ऑल रिलीजेज में जाएंगे और आपको पाइथन के जितने भी वर्जन है जो अभी तक रिलीज हो चुके हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक वर्जन की रिक्वायरमेंट है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, बट अभी के लिए आपको जो डाउनलोड करना है वो करना है पाइथन 3.8.3, जो कि अभी क्या लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का। अगर आप लिनक्स, मैक ओएस और किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे पाइथन 3.8.3 के लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक करा और मेरा एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस, जब तक हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है मैं आपको पाइथन के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि हमारा जो पाइथन है वो किसने डेवलप करा था, तो आपने नाम सुना होगा सर ग्यूडो वैन रूसम। इन 1991 सर ग्यूडो वैन रूसम ने पाइथन को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था, बट उस वक्त पाइथन इतना कॉम्पैटिबल और अच्छा नहीं था। अगर मैं जावा और पाइथन की बात करूँ तो जावा बाद में आया है एज़ कम्पेयर टू पाइथन, बट जावा एक प्रोडक्ट था जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने फाइनेंस करा था और उसे अच्छी पब्लिसिटी मिली क्योंकि उसको एडवर्टाइजमेंट भी अच्छा मिला। बट एज कम्पेयर टू जावा एंड पाइथन, उस वक्त पाइथन को इतनी पब्लिसिटी नहीं मिल पाई और पाइथन इतना फ्लेक्सिबल और यूजर फ्रेंडली भी नहीं था उस टाइम। आफ्टर दैट पाइथन 2.0 रिलीज करा गया इन अक्टूबर 2000 में। यूजर्स ने पाइथन 2 को काफी पसंद करा क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली भी था, उसके पास लाइब्रेरी सपोर्ट भी था। बट जो सबसे बड़ा चेंज आया पाइथन में वो 2008 में आया, जिसको आप पाइथन 3 के नाम से जानते हो। अभी हम पाइथन 3.8.3 यूज कर रहे हैं जो कि पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है। बट अगर मैं बात करूँ पाइथन 2 की और पाइथन 3 की, तो पाइथन 3 बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है पाइथन 2 के साथ। मतलब कि अगर आप पाइथन 3 में कोई भी कोड लिखते हैं तो पाइथन 2 के साथ नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2008 में इतना बड़ा चेंज आया कि जितने भी हमारे डेवलपर्स थे या जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज थी उन्हें अपने आप को स्विच करना पड़ा पाइथन 2 से पाइथन 3 की तरफ। मीन्स जितनी भी लाइब्रेरीज हमारे पास पाइथन 2 में थी वो हमें पाइथन 3 में फिर से लिखनी पड़ी डेवलपर्स को। तो इसी वजह से पाइथन 2 भी मेंटेन करा गया और पाइथन 3 भी मेंटेन करा गया। बट कब तक, 2020 तक। 2020 के बाद पाइथन 2 का कोई भी अपडेट नहीं आएगा और उसे मेंटेन नहीं किया जाएगा। ओनली 2020 तक पाइथन 2 को अपडेट किया जाएगा, जो कि अब ओवर हो चुका है। तो 2020 पे जो भी इसका अपडेट आना था वो आ चुका है। मे बी इसके बाद एट द एंड ऑफ द 2020, तो वहां पर भी आपका पाइथन 2 का कुछ ना कुछ अपडेट आ सकता है जो कि अभी फिक्स नहीं है। उसके बाद जो भी चलेगा वो पाइथन 3 के साथ चलेगा। तो अभी के लिए पाइथन 3 सीखना बेस्ट होगा। सो गाइस, अब ये मैं आपको बताता हूँ कि जो ये नाम पाइथन है ये कैसे पड़ा। सो ये किसी स्नेक के नाम पे नहीं है, जो हमारे डेवलपर हैं या फिर जो हमारे गुडो वैन रूसम सर हैं उन्होंने पाइथन नाम इसलिए रखा क्योंकि उन्हें एक टीवी शो बहुत पसंद था जो कि ब्रिटिश कॉमेडी शो था, जिसका नाम था मॉन्टे पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो उसके बिहाफ पे उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। सो गाइस, यहाँ पर मेरा पाइथन डाउनलोड हो चुका है। अब मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आप कोई आइडियली यूज करना चाहते हैं लाइक विजुअल स्टूडियो कोड या फिर कोई पाइचाम, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। बट पाइथन अपने साथ ही एक आइडियली प्रोवाइड कराता है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम वो यूज करें क्योंकि अभी आप बिगनिंग में हैं। ओके, और आप लोगों के लिए बेस्ट होगा कि आप उस पर कोड करें या फिर आप कोड करें अपने नोटपैड पे। तो आओ देखते हैं कि हम पाइथन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपल, मैंने इस पर डबल क्लिक करा। ओके, मुझसे ये परमिशंस मांग रहा है, मैंने इसे रन कर दिया। सो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, क्या इंस्टॉल नाउ। तो अगर आप इसे इंस्टॉल करोगे तो लोकेशंस देखो कहाँ पर जा रही है, सी यूजर, जो भी मेरा नाम है यहाँ पर निशांत, ऐप डेटा। तो देखो इतना इंटरनल जाके ये आपकी पाइथन इंस्टॉल करेगा।
उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, आइडियली इंक्लूड होगा मतलब कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जिसपे आप कोड कर सकते हो, ओके अपने कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हो, ओके पिप जो कि एक मैनेजर होता है पाइथन की लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में, लाइक आपको कुछ लाइब्रेरीज पहले से ही दे दी जाती हैं बट कुछ लाइब्रेरीज होती हैं वो आपको नहीं दी जाती है, क्योंकि अगर आपको सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉलेशन के टाइम पे दे दी जाएंगी तो आपका इंस्टॉलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। प्लस उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपको इसे कैसे यूज करना है इसके बारे में सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करूंगा, आप नेक्स्ट 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 भी कर सकते हैं बट उसके बाद जो आपका पाइथन का पाथ होगा वो कुछ इस जगह पे जाके सेव हो जाएगा। ओके तो इंस्टीट्यूट ऑफ दिस आप क्या करो, कस्टमाइज इंस्टॉल करो और इसे वहां पर यूज सेव कराओ जहां पर आप इसे इजीली एक्सेस कर सको, क्यों क्योंकि मुझे आगे चल के पाइथन के फोल्डर में काफी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ सकती है यूजर्स एज पर दी यूजर रिक्वायरमेंट। तो मैं क्या करूंगा, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन परफॉर्म करूंगा, बट उससे पहले मैं क्या करूंगा, एड पाइथन टू पाथ। सो गाइस व्हाट इज पाथ, तो पाथ क्या होता है, लाइक आप क्या करोगे इस पाइथन को अपने ऑफिशियल पाथ में ऐड कर दोगे, लाइक अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड कर दोगे, तो आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे इसे टिक करोगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पाथ कहाँ पर जाके सेव होता है और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन परफॉर्म कराओगे। तो जैसे मैंने कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पर क्लिक करा, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहा है कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो आप टिक भी कर सकते हो, नहीं भी पिप पे आप टिक रहने दोगे। उसके बाद क्या है, TCL/TK एंड IDLE, तो TK इज फॉर टिकिंटर जो कि एक लाइब्रेरी का नाम है GUI डेवलप करने के लिए पाइथन में, एंड IDLE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मीन्स आपका एक एडिटर प्लस आपका एक एग्जीक्यूटेबल इन्वायरमेंट, मतलब एक जगह आप कोड लिखोगे और दूसरी जगह आप रन कराओगे, मैं आपको इंस्टॉल करने के बाद दिखाऊंगा। उसके बाद पाइथन टेस्ट सूट, ओके आप इसे चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई इशू नहीं है। ओके मीन्स लाइक आपको डिबगिंग परफॉर्म कराने है तो आप जहां से करा सकते हो, बट अभी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट ठीक रहने दो इससे आप लोग। PY लॉन्चर मतलब कि आपका एक रन टाइम एनवायरनमेंट पाइथन का, लाइक अगर आपने पहले लैंग्वेज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है तो मैं आप लोगों को जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ, सबके समझ में आ जाएगा। वो क्या है कि आपका एक होता है एडिटर मोड जहाँ पर आप अपना कोड लिखते हो, जब आप अपना कोड लिख लेते हो तो आप उसे एनालाइज करने के लिए भेजते हो, एनालाइजेशन के बाद क्या होता है आपका रन टाइम एनवायरनमेंट आता है, तो ये आपका क्या है रन टाइम एनवायरनमेंट है, और यहाँ पर आप ऑल यूजर्स में टिक करोगे, इसका मतलब आपके सिस्टम में जितने भी यूजर्स हैं वो सारे के सारे पाइथन को यूज कर पाएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अगेन इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर, जैसे मैं यहाँ टिक करूंगा देखो मेरा पाथ चेंज हो गया। ओके और ये सब क्या है, एसोसिएट फाइल विद पाइथन रिक्वायर द PY लॉन्चर, मतलब कि जो भी आपकी फाइल बने वो .py के PY से बने, मतलब वो पहले लॉन्चर से कनेक्ट हो। आफ्टर दैट शॉर्टकट बनाना है, फिर अगेन एड टू पाथ, ये वही इन्वायरमेंट वेरिएबल वाला पाथ है, और प्री कंपाइल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, तो जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वो भी इंस्टॉल होनी चाहिए पाइथन की। ओके मतलब जो रिक्वायर्ड है जो बेसिक नीड्स के लिए है, तो आप क्या करो इसे ब्राउज करो यहाँ से एंड गो टू सी ड्राइव, तो यहाँ पर आप एक फोल्डर बना लो जिसका नाम होगा आप जो भी रखना चाहो, मैंने रख दिया पाइथन 3.8। ओके और इस फोल्डर के इंटरनल मैं क्या करूँगा, जब मेरी पहले से पाइथन इंस्टॉल है, ओके तो मैंने यहाँ पर क्या करा पाइथन 3.8 सी पाइथन, अब यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन जो भी डिपेंडेंसीज बनेगी पाइथन की इस फोल्डर में बनेगी। तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई नया और लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है तो आप इसे हटा के नया वर्जन डाल सकते हो, आपको इतना इंटरनल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जैसे इंस्टॉल पे क्लिक दबाओगे आपका पाइथन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस इस तरीके से आप इंस्टॉलेशन परफॉर्म करा सकते हो। सो गाइस जब तक हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है हम अपना कोर्स एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस कोर्स को कैसे फॉलो करेंगे। तो हमने पाइथन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है, पाइथन बेसिक्स, पाइथन इंटरमीडिएट एंड पाइथन एडवांस। पाइथन बेसिक्स में हम बेसिक सिंटैक्स, डेटा स्ट्रक्चर और कंट्रोल स्ट्रक्चर देखेंगे। बेसिक सिंटैक्स का मतलब आप कोड कैसे राइट कर सकते हो, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो ये सारी की सारी बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, तो हम पहले इसके साथ डील करेंगे। आफ्टर दैट वी मूव टूवर्ड्स डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मतलब जो पाइथन के इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं लाइक लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। आफ्टर दैट कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इटरेटिव एलिमेंट्स लाइक आपका इफ एल्स एंड लूपिंग।
लूपिंग स्टेटमेंट्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये सारे के सारे। तो दिस इज योर बेसिक पार्ट। इसमें आपका एस्केप सीक्वेंस भी आ जाएगा, ऑपरेटर्स भी आ जाएंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद हम स्विच करेंगे पाइथन इंटरमीडिएट पे। इन पाइथन इंटरमीडिएट वी कवर्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड आपके मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। तो ये सारी की सारी चीजें हम इंटरमीडिएट में देखेंगे, पाइथन इंटरमीडिएट। जब हमारा पाइथन इंटरमीडिएट खत्म हो जाएगा, और भी काफी कुछ है पाइथन इंटरमीडिएट में, मैं आपको कोर्स एजेंडा में बता दूंगा, आपको एक पूरी की पूरी फाइल डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आफ्टर दैट वी मूव टूवर्ड्स पाइथन एडवांस। सो पाइथन एडवांस आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो भी डिपेंड करता है कोडिंग लैंग्वेज से यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ऊप्स। ओके, ऊप्स से स्टार्ट करेंगे, देन फाइल हैंडलिंग, आफ्टर दैट मल्टी थ्रेडिंग। तो ये सारी की सारी चीजें हम किस में कवर करेंगे, आपके पाइथन एडवांस में। और भी काफी सारी चीजें हैं, ये आपके मेजर टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हम अपने कोर्स करिकुलम को लेके चलेंगे, स्टार्ट विद बेसिक्स, देन कवर इंटरमीडिएट एंड देन कवर एडवांस पार्ट। तो हम इस स्टेप में से प्रोसीड करेंगे। सो गाइस, अब हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है कम्प्लीटली। अब हम देखेंगे कि जो पाथ था या फिर जो मेरी आइडियली आई है वो क्या है, मुझे उसे कैसे यूज करना है। तो आप अपने स्टार्ट में जाइए, ओके, और अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए आप अपने स्टार्ट में या विंडो आर प्रेस करके सीएमडी टाइप कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरीके से एक ब्लैक कंसोल ओपन हो जाएगा। आपको इस ब्लैक कंसोल में बस इतना टाइप करना है, व्हाट पाथ। ओके, तो जैसे आप इस पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, दो पाथ मिलेंगे। आपके पास भी ऐसे लिस्ट आ सकती है, तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल चीजें इंस्टॉल है तो काफी कुछ आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, C/python/script और C python। तो ये दोनों पाथ आपके क्या है, पाइथन के हैं। जो भी आपकी पाइथन की डिपेंडेंसीज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी। लाइक मेरा पहले से पाइथन इंस्टॉल था तो मैंने पाइथन नाम से फोल्डर बना रखा है। अभी आपने पाइथन 8 या आप जिस भी नाम से बनाना चाहो, आप इस तरीके से फोल्डर बना के वहां पर सारी की सारी डिपेंडेंसीज रख सकते हो। आपको लाइक जो भी आपका पिप था, मैंने बोला था पिप एक मैनेजर है, तो वो मैनेजर क्या करेगा, वो आप उस मैनेजर की हेल्प से आप कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हो अपने इस पाइथन स्क्रिप्ट पैकेज में, ओके, विद द हेल्प ऑफ पिप। तो आपकी डिपेंडेंसीज एक ही जगह पे रहेगी, इधर उधर जाके सेव नहीं होगी। ये कहाँ से आएगा इस, अगर आपको ये जानना है तो जस्ट गो विद स्टार्ट एंड टाइप एनवायरमेंट वेरिएबल। तो जब आप अपना एनवायरमेंट वेरिएबल ओपन करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल, तो आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से टैब आपके सामने आएगी। आप यहाँ पर ओपन करिए और पाथ में जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यही वाली चीज है जो मैंने वहां पर कमांड प्रॉम्प्ट पे रिफ्लेक्ट कराई थी विद द हेल्प ऑफ पाथ। आपको बस पाथ टाइप करना है किस पे, कमांड प्रॉम्प्ट में। अब आपका जो पाइथन था वो कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपके डिपेंडेंसीज बनी है या नहीं बनी है, अगेन प्रेस विंडो आर, या आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए। और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आपको बस क्या टाइप करना है, पाइथन। आपको बस पाइथन टाइप करना है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका पाइथन का इंटरैक्टिव शेल ओपन होके मिल जाएगा। गाइस, इंटरैक्टिव शेल क्या है, ये पाइथन की एक फिजिबिलिटी है, आपका एक रन टाइम एनवायरमेंट है। आप इसमें इनपुट दो एंड एंटर प्रेस करो, ये आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे कोड प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये आपका पाइथन का इंटरैक्टिव शेल है। ओके, इस तरीके से आप इसमें चीजें ऑपरेट कर सकते हो, लाइक ए प्लस दिस। तो ए ने भी एक इंटीजर वैल्यू होल्ड कर रखी है और मैं उसके साथ एक इंटीजर ही प्लस कर रहा हूँ। तो देखो मेरे पास आउटपुट में कुछ इस तरीके से चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, आपको अब ये तो एक इंटरेक्टिव शेल था जो आपके सिस्टम में सेट हो चुका है, जो आपके कमांड प्रॉम्प्ट के बिहाफ पे चल रहा है। बट व्हाट अबाउट पाइथन, पाइथन ने आपको क्या क्या दिया है। आपने सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल करा, बट आपको क्या क्या मिला, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको जानना है कि आपको क्या क्या मिला है, अगेन गो विद स्टार्ट। ओके, और आपको क्या करना है, बस टाइप करना है आइडियली, आपको बस सिंपल टाइप करना है आईडीएली, जस्ट वेट, आईडीएली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो मेरा यहाँ पे पाइथन 3.6 इंस्टॉल है, आपको मैंने अभी 3.8.3 कराया है, तो वहां पर आपको 8.3 दिखेगा। कोई इशू नहीं है गाइस, आप इजिली इस पे
एंटर प्रेस कीजिए या क्लिक कीजिए तो आपकी एक स्क्रीन ओपन होगी जिसको आप क्या कहोगे पाइथन आइडियली लाइक दिस। ये क्या है आपका, ये भी एक इंटरेक्टिव शेल है, ये भी क्या है एक इंटरेक्टिव शेल। ओके यहाँ पर भी आप कोड कर सकते हो, पाइथन के स्मॉल स्मॉल कोड्स कर सकते हो। ओके सो इस तरीके से आप इंस्टॉल करके अपने पाइथन को सेटअप कर सकते हो अपने सिस्टम के लिए। सो गाइस इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम ये देखेंगे कि हम यहाँ से अपने कोड कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं, इसकी वर्किंग क्या होती है। इस वीडियो में हमने ये देख लिया है कि हमारा कोर्स एजेंडा क्या होगा, पाइथन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, और आप कैसे पाइथन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। आप इसे चाहो तो नोटपैड से भी ऑपरेट कर सकते हो, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इफ़ यू वांट देन यूज एनी आइडियली व्हाट यू वांट, पाइचाम यूज कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हो, बट बेटर यही होगा कि आप यहाँ से स्टार्ट करो बिकॉज यू आर इन बिगनिंग मोड। तो अगर आपको कोई आइडियली सजेस्ट करता है तो वो थोड़ा सा अभी के लिए बेकार होगा, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको उस चीज़ की हैबिट लग जाएगी। तो अभी आपको सब कुछ सीखना है तो आप यहाँ पे फोकस करो। सो गाइस यहाँ अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस मैं अपनी हर वीडियो में कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मैं आपको यहाँ पर भी अभी फ्लैश करा दूंगा, आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए, वो इसी से रिलेटेड होंगे जो हमने आज अभी तक पढ़ा है या प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है, और कमेंट्स में आप मुझे उसका आंसर बताइए। ओके और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।